तो ये है ना, जानना और मानना ये दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, इस पर ठीक से अपने को काम करना है। जी रविंद्र जी पूछ रहे हैं कि जानने का आधार क्या है। जानना का अर्थ अगर देखें तो यह है कि मेरे अंदर जो क्रियाएं अभी अजागृत हैं वो जागृत हो जाए, तो जो ब्लॉक B1 की क्रियाएं हैं वो अजागृत हैं वो जागृत हो जाए। जागृत होने का आधार क्या है कि मैं उन पे ध्यान देता हूँ, तो पता चलता है कि वो जागृत हो या अजागृत हो, उसमें जो क्षमता है जागृत होने की वो बनी हुई है, और उस क्षमता के आधार पर मेरे अंदर उसका रिफ्लेक्शन मुझे मिलता रहता है, उसका प्रतिबिंबन मुझे मिलता रहता है, और वो मुझे सहज स्वीकृति के रूप में दिखाई देता है। तो मेरे अंदर सहज स्वीकृति पहले से ही बनी हुई है, जानने की क्षमता पहले से ही बनी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, तो इस जो सहज स्वीकृति है इस पर ध्यान देता हूँ। तो ध्यान देता हूँ तो उसके होने का, कि वो क्रियाएं भी हो सकती है मेरे अंदर, हमें पता लगता है। फिर क्रियाएं किस प्रकार जागृत होंगी ये भी पता लगता है, क्या पेंडिंग है, क्या शेष है जो अभी तक मैंने किया नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं संबंधों में तो जी रहा हूँ, परंतु संबंध में जो भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार हैं उनको मैंने देखा नहीं है, उनको मैंने जांचा नहीं है। तो जानने का आधार स्वयं में देखें तो सहज स्वीकृति है, अस्तित्व में देखें तो सह अस्तित्व है, कि सह अस्तित्व पहले से ही बना हुआ है, मैंने ध्यान भर नहीं दिया है, ये आधार में है। तो सह अस्तित्व पे जैसे मैं ध्यान देता हूँ मेरे अंदर जानने की क्रिया शुरू हो जाती है। सह अस्तित्व पे ध्यान मैं कैसे देता हूँ, क्योंकि सह अस्तित्व की सहज स्वीकृति मेरे अंदर पहले से बनी हुई है, उसी सह अस्तित्व के प्रकटन में व्यवस्था बनी हुई है, उसी सह अस्तित्व के प्रकटन में संबंध बना हुआ है। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से मैं ध्यान देना शुरू करता हूँ, तो पहले संबंध पे ध्यान देता हूँ, संबंध पे ध्यान दे देते व्यवस्थाएं स्पष्ट होने लगती हैं। तो मेरे स्वयं की व्यवस्था क्या है, शरीर की व्यवस्था क्या है, मेरा और शरीर से जुड़ाव किस प्रकार है, मेरा दूसरे मानव से संबंध किस प्रकार है, दूसरा मानव किस प्रकार स्वयं में व्यवस्था में बना हुआ है, तो यह स्वयं में एक व्यवस्था है, ये सारी बातों को हमें देख पाता हूँ। तो स्वयं में अगर देखें तो आधार है मेरी सह स्वीकृति, अस्तित्व के स्तर पर देखें तो सह अस्तित्व पहले से ही बना हुआ है। ठीक है रविंद्र भैया, तो जानना और मानना इन दो क्रियाओं को देखें। अब मानना को अंग्रेजी में देखें तो अज्यूमिंग या एक्सेप्टिंग दोनों शब्द प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी में वो कठिनाई नहीं है, तो हम जानकर भी बातों को मानते हैं और बिना जाने भी बातों को माने रहते हैं। तो इंग्लिश में दो तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, हिंदी में मानना शब्द पर्याप्त हो जाता है। तो जानने का मतलब है टू सी द रियलिटी एज इट इज, अस्तित्व जैसा है उसको वैसा देखना, और जब उसको देखता हूँ तो उसको कंप्लीटनेस में ही देखना बनता है, पूर्णता में ही देखना बनता है। और कैसे देखूंगा, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखूंगा, जैसे ये काम हम लोग करने वाले हैं कि हमें वर्कशॉप में प्रस्ताव मिले, उन प्रस्तावों को हमने सुना, सुनकर अपने विचार से जोड़ा, उसका विश्लेषण किया, फिर उसको अपने भाव से जोड़ा, तो काफी कुछ है ना ऐसा लगा कि ठीक है। फिर इसको हमने अपनी सह स्वीकृति से जोड़ के देखा, तो जहां तक हम उसको देख पाए वहां तक दिखता है कि हाँ बात तो ठीक है, ऐसा ही ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको अपने आप में विचार में चलाते रहते हैं, उसके साथ हम उसको जी कर देखने का भी प्रयास करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें कई बार अनुकूल परिणाम आते हैं, कई बार प्रतिकूल परिणाम आते हैं, कई बार विचारों में उलझन बढ़ जाती है, कई बार उलझन कम हो जाती है, तो अभी गहमा गहमी चलती रहती है, कल्पनाशीलता में भी जीने में भी। तो फिर उसके आगे एक काम करना शेष बनता है कि ये गहमा गहमी इसलिए है क्योंकि अभी तक जो कुछ है वो विचार में है ना, अधिक से अधिक बात मुझे अपील कर रही है, अच्छी लग रही है, एक आशा बन रही है कि हाँ ऐसा जीकर मैं भी सुखी हो पाऊंगा, परिवार में भी व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, समाज में व्यवस्था बेहतर होगी, परंतु ये आशा के स्तर पर ही है, एक आशा लगी हुई है कि हाँ ऐसा करने से मैं बेहतर हो जाऊंगा, परिवार बेहतर हो जाएगा, समाज बेहतर हो जाएगा। विचार करने पे थोड़ा सा उलझन बढ़ता है कि अभी जो चल रहा है और जैसा कहा जा रहा है इन दोनों में तालमेल नहीं दिख रहा। भाव के स्तर पर देखते हैं तो भाव बहुत स्पष्ट नहीं होते, कई बार भाव के प्रति होश नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आवश्यकता बन जाती है कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करें,
सीधा सीधा देखें कि है क्या, मुद्दा क्या है। तो कहाँ से देखना शुरू करेंगे? देखने वाला मैं ही, तो अपने भाव से देखना शुरू करूंगा। तो ये भाव से देखना शुरू करते हैं, अपने भाव को देखना शुरू करते हैं, फिर उसमें सहस्वीकृत भाव को देखना शुरू करते हैं, फिर उसके आधार को देखना शुरू करते हैं। ये पूरे जानने की प्रक्रिया है। तो देखिएगा कि जानना अपने आप में निश्चित है, और एक बार जो चीज जान ली वो मेरे अंदर निरंतर बनी रहती है, और जो मैं जान पाता हूँ वही दूसरा भी जानता है। तो अस्तित्व तो वही है, सहस्तित्व तो है ही, वो मुझे भी उपलब्ध है, दूसरे को भी उपलब्ध है, वो सहज स्वीकृति के रूप में मुझे भी उपलब्ध है, अगले को भी उपलब्ध है। मैंने कितना ध्यान दिया, अगले ने कितना ध्यान दिया, इसके आधार पर हमारे जानने का अलग अलग स्तर हो सकता है, परंतु जानना तो निश्चित ही होगा। तो सार्वभौम भी दिखाई देता है। मानने में देखें तो दो संभावनाएं हैं, कि जानने पे के पहले मान रहे हैं या जानने के बाद मान रहे हैं। तो जानने के बाद मतलब मानना मतलब कि हाँ, अब मेरी स्वीकृति बन गई, अब मेरी कल्पनाशीलता उसी आधार पर चलेगी। जाने बगैर मानना मतलब कि बाहर से कोई सूचना मिली, उससे हमने कुछ विश्लेषण कर लिया और कुछ हमारे अंदर एक तरह की स्थिति बन गई, उसको जीने गए तो फंस गए, फिर कुछ और सुना, फिर कुछ विश्लेषण किया, फिर जीने गए फिर फंस गए। तो मानने में इस तरह का उलट पुलट चलता रहता है। तो ये जानने के आधार पर भी हो सकता है और बिना जाने भी हो सकता है। पहचानना मतलब संबंध को पहचानना। तो मैं पहचानता हूँ, तो सेल्फ की अगर बात करें तो मेरा शरीर से भी संबंध है, बाहर की जो भौतिक रासायनिक वस्तु उनसे भी संबंध है, जो अन्य मनुष्य हैं उनसे भी संबंध है, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे भी संबंध है। तो मैं इन सबसे संबंधित हूँ, मैं इनको पहचानता हूँ। पहचानना शरीर में भी हो रहा है, बट मेरे अंदर जो हो रहा है वो जानने मानने के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर में जो हो रहा है वो सिर्फ सीधा सीधा पहचानना है, उसमें कोई मानने की क्रिया नहीं है। और निर्वाह करना मतलब कि इसको पूरा करना, जैसा हम पहचानते हैं वैसा हम निर्वाह करते हैं, वैसा जीते हैं। तो हमारी जीने में जो समस्या है वो ये है कि हम जाने बगैर सिर्फ मान कर जी रहे होते हैं। मानव की कुल समस्या इतनी है कि हमने जाने बगैर मान कर जीना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ना करके यदि हम जानने काम कर पाए हम समाधानित होते हैं। तो क्या होता है कि हमने जाने बगैर मान लिया तो बहुत सारी मान्यता हमारी बन जाती है, उसको प्री कंडीशनिंग कहते हैं, एज्यूमिंग विदाउट नोइंग। उसमें हमारी जो मान्यताएं हैं वो बदलती रहती हैं। तो हम परिवार में होते हैं तो हम एक तरह से मानते हैं, बच्चा पढ़ने कॉलेज में जाता है अलग तरह से मानता है, परिवार अपना बन जाता है अलग तरह से मानता है, शहर में रहता है अलग तरह से मानता है, गाँव में रहता है अलग तरह से मानता है, ठीक है ना। ये मोबाइल हाथ में आ गया, रोज नई सूचनाएं आ रही, मान्यताएं बदलती रहती हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं बदलती रहती हैं, और इसीलिए स्वयं में उलझन या समस्या बनी रहती है, और हमारा आचरण अनिश्चित रहता है, क्योंकि दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने की आशा लगी रहती है, या शरीर से कोई अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने की आशा लगी रहती है, और हम इनका ठीक ठीक मूल्यांकन भी नहीं कर पाते, हमको इनका विकल्प भी नहीं दिखता। कि सुखी तो होना चाहते हैं परंतु जानने की क्रिया हो नहीं रही, तो क्या करें, तो बाहर की ओर भागते हैं कि बाहर से कुछ अनुकूल मिल जाए, कोई स्वाद मिल जाए ना, या दूसरे से कोई भाव मिल जाए, दूसरा ध्यान दे दे। तो इस तरह से चलता रहता है। अब इसमें पाएंगे हमारा आचरण अनिश्चित रहता है। इसके स्थान पर यदि हमारे में जानने का काम हो जाए, जो हम स्वयं में जांच परख के आधार पर कर पाते हैं, तो उसमें जो सहज स्वीकृति है सीधा पे जांचते हैं, और फिर उसको हम जीने में हम उसको जी कर देखते हैं, हम उसको वैलिडेट करते हैं, उसको हम प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, और उस पूरे क्रम में हमारी स्वयं में स्पष्टता बढ़ती जाती है। इस स्वयं में स्पष्टता बढ़ते हुए कोई ऐसा पॉइंट आने लगता है जहाँ पे ब्लॉक B1 की क्रियाएं एक्टिव होने लगती हैं, तो एक एक भाव का चिंतन होने लगता है। जिस भाव का चिंतन होता है उससे जुड़ी इकाई की व्यवस्था स्पष्ट होने लगती है, तो उसकी व्यवस्था दिखने लगती है, समझ में आने लगती है। तो अभी हमको प्रस्ताव स्पष्ट हो रहा है, प्रस्ताव स्पष्ट होने के साथ साथ हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और किसी पॉइंट पे जब ब्लॉक B1 की क्रियाएं यानी जो जानने का आयाम है उसकी क्रियाएं जागृत होती हैं, तो उसमें एक निरंतरता हो जाती है। तो जो स्पष्टता थी वो दिखना हो गया, स्पष्टता कल्पनाशीलता में थी, अब वो दिखना हो गया, अब वो ज्ञान का भाग बन गया।
ऐसा जैसे जैसे होता जाता है हमारा आचरण निश्चित होता जाता है। ये उसके पहले भी जब तक जानने की क्रियाएं जागृत नहीं हुई है, आचरण में निश्चितता तो बढ़ती जाती है, परंतु उसमें एक संभावना लगी रहती है कि फिर से अनिश्चित हो सकता है, क्योंकि एक प्रभाव के रूप में भी वो काम कर सकता है। तो जैसे हमको ये दिख जाए, ये हमको प्रस्ताव सुनने को मिले कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है, बट हमको अभी पूरा दिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर और मैं का अंतर दिखा नहीं है, तो हम सुविधा की आवश्यकता को पहले से बेहतर पहचान पाते हैं कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है, उसकी सीमा को हम बेहतर ढंग से निश्चित कर पाते हैं। परंतु ये हो सकता है कि कल को किसी प्रभाव में फिर असीमित लगने लगे, ये हो सकता है। तो पता चला कि हमने तो सीमित किया ठीक, परंतु हमारे मित्र ने उसको उतनी छोटी सीमा तो रखी नहीं जैसे हमने बनाई, और देखो ज्यादा सुखी लग रहे हैं मुझसे। हमको लगता है इसको रीवैल्यूएट किया जाए, ठीक है ना? ये बात सुनने के लिए तो ठीक है, बट जीने में मजा नहीं आ रहा, तो फिर से हो सकता है असीमित लगने लगे, तो उलट फेर की संभावना बनी रहती है। परंतु एक बार जो जानने की क्रियाएं हैं, चिंतन, बोध, अनुभव, ये जागृत होने लगे, फिर ऐसी शंकाएं नहीं रहती, क्योंकि जो मूल तत्व है वो हमें स्पष्ट हो जाता है, उसकी तात्विकता है वो हमको स्पष्ट हो जाती है। तो इसके साथ हम समाधानित महसूस करते हैं, है ना? अब हमारे अंदर उलझन, परेशानी, द्वंद, अंतर विरोध, ठीक है ना, शंकाएं, ये सब नहीं रहती। तो इसको, ये जो समस्या समाधान की ओर जाना है, यही शिक्षा का प्रयोजन है, यही इस सुबह के सत्र का प्रयोजन है। और ये हम अपने आप में देख भी पा रहे होंगे कि हम धीरे धीरे अब समस्या समाधान की ओर जा रहे हैं। अब हमको पता लगेगा कि समस्या पैदा करने वाला मैं ही हूँ, कम से कम मुझ में जो समस्या है उसकी जिम्मेदारी मेरी ही है ना? अभी हम बाहर जो कुछ भी चल रहा हो, घटनाएं होती रहती हैं, यदि उनसे मैं समस्याग्रस्त होता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है। ये आपको धीरे धीरे और स्पष्ट होगा। इसे समाधानित होने की जिम्मेदारी भी मेरी है, ठीक है ना? उसी स्थिति में मेरी भागीदारी क्या है यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये छोटे से दायरे से जहां कुछ मान के जी रहे होते हैं, उससे निकल कर हम संपूर्णता में आ जाए, तो हम समाधानित हो पाते हैं। भैया, अभी बात जो शुरू में आपने समझाया था कि विचार की निरंतरता रहती है, ये जी सेल्फ सेल्फ की एक्टिविटी है और इसमें निरंतरता रहती है, ऐसा आपने बोला था अभी। जी चाहे हम सो रहे होते तब भी निरंतरता रहती है। लेकिन भैया, कई सारे प्रोसेस हैं या कई सारे बुद्ध पुरुष हैं जिन्होंने इस पर बोला है कि निर्विचार अवस्था को उन्होंने ध्यान बताया है, तो विचार की जी निरंतरता तो खत्म होगी जब आप ध्यान में होंगे, जी या जब आप सुसुप्ति में होते हैं तब भी आपके विचार नहीं बचते, ऐसा मैंने जाना नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा है। जी तो थोड़ा इसको आप क्लियर करेंगे, क्योंकि निरंतरता तो वहां पर ब्रेक होगी तभी आप ध्यान में होंगे या समाधि में होंगे। वही तो, ये जो स्थिति बनते हैं जिसको निर्विचार कहा गया, तो जैसे अभी जो विचार चल रहे होते हैं उसमें आप देखें तो एक गहमा गहमी, एक उलझन, एक परेशानी रहती है। तो जब जिसको समाधि की स्थिति कहा गया या कैवल्य की स्थिति कहा गया, ज्ञान की स्थिति कहा गया, तो उसमें क्या होता है कि विचार ज्ञान के अनुरूप होता है। तो ऐसा नहीं कि विचार ना रुक जाता है, बेसिकली समर्पित हो जाता है उसके लिए। तो जैसा हमारे अंदर स्वयं में दिख रहा है उसी वही कल्पनाशीलता में भी आता है, तो कल्पनाशीलता उसके आधार पर व्यवस्थित हो जाती है। तो निर्विचार का मतलब ये, सभी हम कहते हैं ना विचार करें, तो पता चला कि विचार में हमेशा ही एक भगदड़ मची रहती है, एक के बाद एक नई नई वस्तु आती रहती हैं, ठीक। और शरीर से जो जुड़ाव है उस पर काफी सारा ध्यान बना रहता है, तो उससे सिमट कर जो ऊपर की ज्ञान की क्रियाएं हैं उसके आधार उस पर ध्यान जाता है, उसके आधार पर नीचे कल्पनाशीलता चलती है। तो इसको भी निर्विचार कहा गया है। तो निर्विचार का मतलब ये नहीं कि विचार न रहे, बल्कि विचार सहज हो जाए, विचार कि अभी जो स्थिति है जिसमें भगदड़ है, अव्यवस्था है, असहजता है, वो न रहे, वो शेष न रहे। फिर तो दूसरी बात आ रही सुषुप्ति, तो जैसे नहीं लेकिन, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, हाँ हाँ ध्यान जी, और तुरीय, चार अवस्थाएं बताई गई हैं। जी, जैसे जागृत है, जब जैसे आपसे बात करें, जागृत स्थिति है ना, फिर सुषुप्ति अवस्था है जिसमें हम सो जाते हैं, डीप स्लीप में रहते हैं, एक स्वप्न की अवस्था है जब हम सोए तो रहते हैं परंतु हमारे अंदर
फिर भी विचार चल रहे, विचार इस रूप में चल रहे होते हैं कि हमको पता लगता है उसका, इसको स्वप्न कहते हैं। और उत्तरी की अवस्था है जिसे ज्ञान की स्थिति कही गई, जिसमें ऊपर की क्रिया जागृत हो जाती है। तो मैं में देखें तो क्रिया निरंतर चल रही है, परंतु क्रियाओं की वस्तु क्या है इसमें अंतर है। जागृत स्थिति में क्या है कि शरीर से बार बार सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, स्वप्न में क्या है कि सूचना का आदान प्रदान उस तरह से तो नहीं हो रहा जैसे जागृत में हो रहा, परंतु फिर भी मेधस के साथ शिथिल रूप से सूचना का आदान प्रदान चल रहा है, तभी तुम स्वप्न कर पा रहे हैं और उसको हम देख पा रहे हैं। सुसुप्ति में क्या हुआ कि मेधस के साथ संपर्क और शिथिल हो गया। अब जो हमारे भाव में है, ज्ञान में है, उसके आधार पर चल रहा है। और तुरी का मतलब कि है ना, जो पूर्णतया ज्ञान की स्थिति है वहां हम पहुंच गए। तो अल्टीमेटली देखें तो मैं क्रियाशील है, परंतु मैं की क्रियाशीलता की वस्तु क्रियाशीलता की स्थिति बदलती जा रही है, ऐसा है। नहीं भैया, मैं जो समझ पाया हूँ उसका ये है कि दो चीजें हैं, डूइंग एंड बीइंग। तो जो डूइंग की बात है वो आपकी जागृत में और स्वप्न तक है, सुसुप्ति में भी आप बीइंग हो गए, लेकिन बीइंग के बारे में आपको आपका जानना नहीं हो रहा होगा। और फिर जो ध्यान की अवस्था है, समाधि की अवस्था है, उसमें बीइंग है, डूइंग वहां पे बिल्कुल नहीं है, और आप जान भी रहे हो। ठीक बात है। देखिए उसमें भी बीइंग में यू आर बीइंग एक्टिव और नॉट, क्या लगता है, बीइंग हो या डूइंग हो, आप एक्टिव रहते नहीं रहते? बीइंग पैसिव क्रिया है भैया, जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे, जिस पर रिसर्च ज्यादा हुआ नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस बात को काट रहा हूँ, सुख की मुझे जो समझ में आ रहा, सुख की निरंतरता रहेगी, और इवन सुसुप्ति और जो आपका ध्यान की अवस्था है उसमें आपका सुख और बढ़ेगा। तो सुख की निरंतरता रहेगी, लेकिन विचार की निरंतरता नहीं रहेगी, मेरा ऐसा समझना है। इसको भैया थोड़ा सा सेल्फ के बारे में और विस्तार में चर्चा करेंगे तो क्लैरिटी बनेगी। बट ये देख ले कि एक्टिविटी रहती है नहीं रहती है, या एक्टिविटी लेस हो जाती है। हाँ, अब ये तो अनुभव करना पड़ेगा भैया, अभी इसमें प्रोसेस में है, इसको फिलहाल ओपन रख ले। जी इसको जी भैया, देखिए इस दिशा में हम जितना भी काम करेंगे, ठीक है, तो जो प्रस्ताव हमको मिले हैं परंपरा से उनका अर्थ भी स्पष्ट होगा और हमारी स्थिति में तो परिमार्जन होगा ही। जी भैया, जी भैया, थैंक यू भैया, बढ़िया भैया। भैया एक अभी बीच में प्रश्न था कपड़ों को लेकर के जी। तो उसपे मेरा एक प्रश्न ये था कि आपने जो बोला था कि हम जो कपड़ों का जो चुनाव कर रहे हैं वो सामने वाले के भाव के ऊपर भी अच्छा अच्छा इफेक्ट जाए, एग्जैक्ट वर्ड में यूज नहीं कर पा रहा हूँ जो आपने यूज किया था। तो उसमें जैसे कई बार, लेकिन हम प्रभाव की वजह से कुछ पर्टिकुलर कपड़े ही सेलेक्ट करते हैं कि भाई मैं जैसे कॉलेज में जाना है तो आपको ऐसा ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो मान्यता बनी हुई है कि आपको पैंट शर्ट पहनना है, बेल्ट लगाना है, शूज पहनना है, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ जो भी हैं उसमें वो अनुकूल भी नहीं होता। लेकिन हम उस प्रभाव में इतना होते हैं कि जैसे जो नॉर्मल कम्फर्टेबल जो कपड़े हैं जो कि दूसरों के भाव को परेशान भी नहीं करें वो भी हम नहीं पहन पाते हैं, तो तब तो वो प्रभाव में आएगा ना भैया। हाँ, तो फिर वो क्या हुआ, हम दूसरे से, देखिए इसमें भी उसको दो भाग में देख सकते हैं, दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाने के लिए पहन रहे हैं, एक बात है, ठीक है ना, और दूसरा हो सकता है कि एक प्रचलन में आ गया है तो हम उस तरह से भी पहन ले रहे हैं जब तक कि लोग तक या लोगों का ध्यान ठीक से न जाए पूरी बात पे। तो एक प्रायोरिटी तो है कि ठीक है भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में इस कपड़े का चयन ठीक है, परंतु सिर्फ शरीर के ध्यान शरीर के प्रति संरक्षण का भाव ही नहीं है, दूसरे के साथ संबंध का भी भाव है। तो बिल्कुल भी हम अगर अलग ढंग से पहनते हैं तो हो सकता है हमें दूसरों से रिलेट करने में कठिनाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यूनिवर्सली ऐसा हो, वो हमारे अपने चयन की बात, उस परिस्थिति में हम क्या चयन करते हैं। तो पैंट शर्ट तो हमारे अर्थ नहीं पहनते थे, कुर्ता पजामा और पहन ले जाए धोती और कुर्ता पहनते थे। हाँ, लेकिन आज कॉलेज में कुर्ता पजामा पहनना भी आज एक तरह से सही नहीं माना जाता है, हमारे लिए कंफर्टेबल है, हम मानने की बात है कि ये मान्यता बन गई। तो अब हम कपड़े का चयन करने जाते हैं ना, तो शरीर का भी ध्यान रखते हैं, संबंध का भी ध्यान रखते हैं। अब पता चला कि हम
उस कॉलेज में कुर्ता पजामा या फॉर एग्जांपल धोती कुर्ता पहन के गए, अब वही मुद्दा बन गया जी। ठीक है, अब उसको सुलझाने में ही सारी ऊर्जा खप रही है हमारी जी जी तो आगे की बात कैसे होगी। जी भैया जी, तो हमें देखना होता है कि व्यवस्था करते हुए मेरी भागीदारी किस प्रकार हो सकती है। अगर लोग उसको देख पा रहे हैं, स्वीकार पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। वही मुद्दा बन गया, उसी पर संघर्ष शुरू हो गया। हम सामूहिक रूप से कुछ प्रयोग करेंगे और उसके साथ धीरे धीरे परिस्थितियों को परिमार्जित करने का काम करेंगे। जी भैया, थैंक यू भैया, बढ़िया भैया।